हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक से डेढ़ साल के बच्चे के लिए बेबी फ्रॉक बनाएंगे। तो मेरे पास कुर्ती में से बचा हुआ कपड़ा है। पहले हम इसका मेजरमेंट देखेंगे। तो यहाँ हम घेर निकालेंगे इसका। इसको हम इस तरह से बराबर करेंगे दोनों साइड की पल्लू को। पहले हम घेर निकालेंगे। घेर की हम चौड़ाई लेंगे। घेर की चौड़ाई लेंगे हम 20 इंच, और इसकी लेंथ लेंगे हम घेर की 12 इंच। तैयार रहेगी तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे उसमें सिलाई के लिए। तो यहाँ हम 13 इंच फिनिशिंग लगाएंगे। इस तरह से 13 इंच इसकी लेंथ लेंगे और चौड़ाई 20 इंच लेंगे। तो इसका हमें रेक्टेंगल में कपड़ा हम कट करेंगे। इस तरह से हमने ये कपड़ा कट कर लिया है। ये हमारे 2 पीस तैयार है। इस तरह से हमने 2 पीस कट कर लिया है। अब इसे साइड में रखेंगे और बॉडी का पार्ट कट करेंगे। यहाँ से हम लेंथ लेंगे 4 इंच, बॉडी की चौड़ाई लेंगे हम 6.5 इंच। इस तरह से इसका 6.5 इंच और 4 इंच का हम एक इसे कट करेंगे। इसे हम बेल्ट बनाएंगे। इस तरह से हमने 2 पीस कट किए। अब हम इसकी बेल्ट निकालेंगे। ये हमने बेल्ट के लिए एक कपड़ा लिया है। यहाँ से हमने इसके लिए 5 इंच इसकी चौड़ाई और इसकी लेंथ ली हमने 13 इंच। तो हमें इसकी लेंथ 13 इंच लेनी है और 5 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है। तो एक्स्ट्रा इसे कट कर लेंगे। इसे हम इस तरह से सिलाई देके इसे सीधा करेंगे। जो हमने दूसरा पीस लिया इसे हम सिंगल पीस इस तरह से रखेंगे और फ्रंट के लिए इसे फ्रंट का जो हमने घेर निकाला है उतना ही हमें इसका पीस निकालेंगे। लेकिन इसकी लेंथ थोड़ी कम लेंगे हम इस तरह से। तो इसकी हम लेंथ 2 इंच कम लेंगे। ये फ्रंट का जितना है इसकी हमने चौड़ाई ली उतनी हम इसकी चौड़ाई लेंगे। देखिए ये हमने थोड़ा कम लिया है ऊपर वाला जो। अब इसे हम इस तरह से कट करेंगे। थोड़ा सा हम इसको राउंड शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा राउंड शेप दिया है और इसके हम सिलाई करेंगे बाद में। जो हमने बॉडी का पार्ट कट किया था फ्रंट साइड और बैक साइड का, तो इस हमने इसके लिए भी इनर कट किया है सेम साइज में। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे थोड़ा सा हम आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा आर्म होल का शेप देंगे। इस तरह से हमने थोड़ा सा
ये हमने 2 इंच का आर्मोल का शेप दिया है इसे। अब हम इसकी सिलाई देखेंगे। ये हमने बेल्ट को सिल के इसे सीधा कर लिया और इसके 2 हिस्से कर लिए हमने। अब हम जो बॉडी है क्या हमने जो पार्ट निकाला है, ये जो पट्टियाँ निकाली है, इस पर हम ये लाइनिंग रखेंगे इस तरह से। ये राइट साइड है, राइट साइड पे हम ये लाइनिंग इस तरह से रखेंगे। पहले हम इसकी इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम ये जो सेंटर से हम 2 इंच छोड़ के यहाँ पे निशान लगाएंगे और उसे यहाँ पे हम थोड़ा कट का निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमने कट का निशान लगाया, यहाँ पे हम ये जो हमने ये बेल्ट बनाया है इसकी सिलाई हम बीच में रखेंगे और इस सिलाई वाला हिस्सा हम इस तरह से रखेंगे लाइनिंग की तरफ। जहाँ पे हमने कट लगाया वहाँ पे इस तरह से रखेंगे। दूसरे वाले भी इसी तरह हम रखेंगे। ये जो हमने कट कनेक्शन लगाया था वहाँ पे इस तरह से रखेंगे हम और उसके ऊपर ही लाइनिंग रखेंगे। और उसे यहाँ से आर्म होल की तरफ से इस तरह से दूसरे आर्म होल तक सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली, अभी से हम सीधा करेंगे। अब इसके ऊपर से हम एक सिलाई लगाएंगे। अभी दूसरा वाला जो बैक पार्ट का हम बॉडी का पार्ट है वो लेंगे, उसे भी हम राइट साइड पे ये लाइनिंग रखेंगे और उसे हमने नेक के साइड से इस तरह से 2 इंच पे यहाँ पे कट लगाया। अब हम जो हमने इसको सिलाई लगाई इसे हम इस तरह से ये उठाएंगे यहाँ से और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। जो हमने कट लगाया वो साइड में रखेंगे हम इसे और इसे भी हम इसी तरह रखेंगे। जो ये पार्ट है इसे हम इस तरह से रखेंगे उल्टा, क्योंकि ये इसे पलटने के बाद ये सीधे साइड में आएगा, ये जो है सीधे साइड में आएगा, तो हम इस तरह से रखेंगे इसे। ये देखिए हम यहाँ कट के साइड में रखेंगे इसे और उसके ऊपर ये लाइनिंग रखेंगे। आप चाहे तो इसे इस तरह से पिनअप भी कर सकते हैं। और इसे भी हम आर्म होल से लेके दूसरे आर्म होल तक सिलाई लगाएंगे इस तरह हमें रखना है। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, अब इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। और इसे इस तरह से अब हम फिनिशिंग के लिए इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे यहाँ से। यहाँ पे हमने ऊपर से सिलाई लगाई फिनिशिंग के लिए दोनों साइड से। इस तरह से बॉडी पार्ट तैयार है। अब हम घेर के लिए घेर बनाएंगे नीचे के लिए। सबसे पहले हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट को हम ये ऊपर की ओर से यहाँ से हम बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ हमें एक धागा पकड़ के इस तरह से खींच खींच के थोड़ा सा फ्रिल बनाना है। ये जो बॉडी की जितनी चौड़ाई है उस हिसाब से हमें इसकी घेर बनाना है। इस तरह से हमने ये घेर बना लिया है इसके साइज के। ये हमने दोनों के आगे फ्रंट के और
बैक के दोनों के घेर बना लिए। अब हम जो हमने फ्रंट में ये जो दूसरा पीस लिया है, इसे हम यहाँ पे जो राउंड शेप है वहाँ पे हम ये लेस लगाएंगे इस तरह से किनारे पे। इस तरह से हम किनारे पे से लेस लगाएंगे। इसी तरह हमने ये बॉर्डर लगा लिए, हमने दोनों साइड को भी ये बॉर्डर लगाई है। अब इसे भी हम यहाँ से बड़ी सिलाई लगाएंगे और जो फ्रंट का घेर है इस पर इसे अटैच करेंगे। तो पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। इसका सेंटर निकालेंगे हम, इस जो सेंटर निकाला हमने इसे हम एक साइड में लगाएंगे इधर और दूसरे को हम यहाँ पे भी इसकी ये प्लेटें आएगी यहाँ पे भी, तो इसे हम आमने सामने लगाएंगे इस तरह से। इसे हमने सेंटर में इस तरह से लगाया है, देखिए इस तरह से दोनों को आमने सामने लगाया। अभी जो जितनी हमारी ये जो घेर का जो बचेगा है इसे हम प्लेटें डाल देंगे इसके। इस तरह से हमने इसे जॉइन कर लिया। अब इसे हम बॉडी को अटैच करेंगे। अभी मैं एक बॉडी लेंगे यहाँ का जो फ्रंट का है उसे लेंगे हम, और जो ये पीस है पहले वाला लाइनिंग का नहीं लेंगे हम, जो मेन फैब्रिक है हमारा इस पे इसे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसे एक सिलाई लगाएंगे, ये हमने राइट साइड पे राइट साइड रखा है। तो इस तरह से हम एक लाइनिंग नहीं लेंगे हम, जो मेन फैब्रिक उसे लेंगे और सिलाई लगाएंगे, इसे जो हम घेर है इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सिलाई लगाई। अब हम ये लाइनिंग को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जहाँ पे हमने सिलाई लगाई उसके ऊपर इस तरह से रखने के बाद इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे ले लगाई लाइनिंग की, तो इस तरह से। अब हम बैक पार्ट की भी इसी तरह सिलाई लगाएंगे राइट साइड पे, घेर का राइट साइड रखेंगे और बॉडी का जो एक लाइनिंग नहीं लेंगे एक पल्ला उठा के इसे सीधी सिलाई लगाएंगे, बाद में हम इसे सिलाई लगाएंगे लाइनिंग के साथ। इस तरह से हमने बैक साइड को भी सिलाई लगाई।
अब हम फिटिंग सिलाई लगाएंगे दोनों को। इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम नीचे बॉटम को इस तरह से फोल्ड करेंगे। पूरे घेर को हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे नीचे की ओर से। इस तरह से फ्रॉक तैयार है। मेरे पास ये फूल है, मैं यहाँ पे इसे अटैच करूँगी। इस तरह से फ्रॉक तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।